सी आई टी एन द्वारा प्रस्तुत है कक्षा छ के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूरवा भाग एक बारहवा पाठ पृष्ठ संख्या पैंसठ से उनहत्तर तक प्रस्तुत है पाठ हमारा घर राजीव जोसफ नमस्ते जोसेफ। नमस्ते तुम यहां क्या यही तुम्हारा घर है बहुत दिनों बाद मिले हो बैठक में बैठकर कुछ देर बात करें राजीव हाँ यह हमारा नया घर है जोसेफ। घर में कौन कौन है राजीव घर में मेरे पिताजी माँ और बड़े भैया हैं। अंदर आओ इधर बैठो सोफे पर जोसफ यह कमरा बहुत सुंदर है घर में कितने कमरे हैं राजीव घर में पांच कमरे हैं तीन कमरे नीचे हैं दो कमरे ऊपर नीचे वाले कमरे बड़े हैं ऊपर के कमरे छोटे हैं दाहिनी ओर पिताजी का कमरा है यह कमरा किसका है राजीव यह बड़े भैया का कमरा है उसके पास स्नान घर है जोसफ वह किसका मकान है राजीव वह मुन्ना शाहिद का मकान है वह मेरा दोस्त है जोसफ और वह बगीचा किसका है राजीव मेरा बगीचा है चलो आओ हम बगीचा देखें क्यारी में कई पौधे हैं क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ये गुलाब के फूल हैं और वे गेंदे के दीवार के पास कई पेड़ हैं। कुछ पेड़ लंबे हैं और कुछ पेड़ छोटे यह आम का पेड़ है और वह नीम का वह अमरूद का पेड़ है यह नारियल का अमरूद का पेड़ छोटा होता है और नारियल का पेड़ लंबा जोसेफ यह बगीचा बहुत अच्छा है अभ्यास एक पढ़ो और बोलो घर घर कमरा कमरा बैठक बैठक स्नान स्नान फूल फूल पौधा पौधा पेड़ पेड़ बगीचा बगीचा पिताजी पिताजी बड़े भैया बड़े भैया दोस्त दोस्त रंग बिरंगा रंग बिरंगा छोटा छोटा बड़ा बड़ा लंबा लंबा दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, इधर इधर नीचे नीचे के सामने के सामने बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बाद दो पढ़ो और समझो का यह हम पुलिंग के एक वचन और बहुवचन बता रहे हैं एक वचन अर्थात एक बहुवचन अर्थात अनेक मैं एक वचन बोलूंगा मैं बहुवचन बोलूंगी कमरा कमरे बगीचा बगीचे पौधा पौधे लड़का लड़के यहाँ हम स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन बता रहे हैं एक वचन अर्थात एक बहुवचन अर्थात अनेक मैं एक वचन बोलूंगा मैं बहुवचन बोलूंगी अलमारी अलमारिया साड़ी साड़िया कुर्सी कुर्सियाँ, लड़की यहाँ हम समान अर्थ वाले शब्द बता रहे हैं नमस्ते प्रणाम दोस्त मित्र बगीचा बाग, सुंदर खूबसूरत अब हम यहाँ विपरीत अर्थ वाले शब्द बता रहे हैं साफ गंदा मोटा पतला नया पुराना गरम ठंडा तीन यहां एक तालिका दी गई है जिससे शब्द लेकर वाक्य बनाने हैं यह बड़ा मकान है यह पुराना मकान है यह नया मकान है यह मकान मेरा है यह मकान, मकान, मकान उसका है यह मकान तुम्हारा है, है चार वाक्य बदलें। जैसे यह पेड़ लंबा है हमने वाक्य बदल के किया ये पेड़ लंबे हैं इसी तरह आप भी वाक्य बदलें। एक यह लड़का मोटा है दो यह किताब मेरी है तीन यह कमरा छोटा है चार यह केला हरा है पांच यह फूल लाल है पांच यह दो स्तंभ दिए गए हैं जिनमें कुछ शब्द हैं आपको समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है जैसे पेड़ वृक्ष हमने इन दोनों का मिलान किया अब आपको शब्द सुनकर समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करना है अब मैं पहले स्तंभ के शब्द बोलूंगा नमस्कार सुंदर फूल बगीचा दूसरे स्तंभ में शब्द हैं बाग, प्रणाम खूबसूरत पुष्प आपको समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है यहां कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें सुनकर आपको वाक्य बदलने हैं जैसे यह बगीचा बड़ा है हमने वाक्य बदला वह बगीचा छोटा है इसी प्रकार अब हम आपको कुछ शब्द दे रहे हैं जिनके अनुसार आपको वाक्य बदलना है शब्द हैं ठंडा पुराना पतला गंदा वाक्य हैं एक यह मकान नया है दो यह कमरा साफ है तीन यह दूध गर्म है चार यह कागज मोटा है सात यहां कुछ वर्ण दिए गए हैं जिन्हें सुनकर आपको शब्द बनाने हैं वर्ण है का पौ धे दी

बी चे शून्य नी न ब ठ पंग अं, द म अ न क र र ग द र म म य प च ल च र प Ka Ru H Ma Ra Ba Ma E Sa no, Da Do Sta Da Hi Ni पे छो र, सो, ई घा इन वर्णों से बने हुए शब्द अब हम आपको बता रहे हैं पौधे दीवार इधर मकान रसोई घर दाहिनी बहन पिताजी ऊपर गुलाब दोस्त नीचे नारियल माँ बगीचा अमरूद हमारा लंबा नीम नया आम फूल पेड़, कई, कमरा, बैठक, छोटा, अंदर, दूरवा भाग एक। अभी आप सुन रहे थे कक्षा छ के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक कलाकार प्रवीण शर्मा तिलक राज, राजेश आहुजा और श्रवा शर्मा ध्वनियांकन बटीलैंगलिंगडो तथा निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एन सी ई आर टी